दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी घर बैठे अपने सी जी एच एस कार्ड को डाउनलोड कर सकता है और उसका प्रिंट ले सकता है यानी कि जो सी जी एच एस की सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ सी जी एच एस कार्ड सर्विस है उसका उपयोग किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी कर सकता है तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें जिससे वो भी अपने सी जी कार्ड को घर बैठे डाउनलोड कर सकें और प्रिंट का ले सकें तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बोगियों से जुड़ी हुई हर एक यूजफुल जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है दोस्तों तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही आप सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं उसके बाद में आपको जो यहाँ पर देख पा रहे हैं सी कार्ड इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ सी कार्ड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने नई वाली विंडो ये वाली जो विंडो है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक बात यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए और वो आपका मोबाइल नंबर आपके सी जी एच एस डाटा बेस से लिंक्ड होना चाहिए तभी जाकर आप इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी आएगा इसीलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें तो इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा बेनिफिशरी लॉगिन लॉगिन करने के लिए आपको आपकी जो बेनिफिशियरी आईडी है वो यहाँ पर डालनी होगी उसके बाद में आपका पासवर्ड डालना होगा फिर जो ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालना होगा यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको आपको दोबारा से जनरेट करना होगा या फिर रीसेट पासवर्ड करना होगा तो यदि आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पर लॉग कर लीजिए पासवर्ड याद नहीं है तो उसे आप रीसेट कर लीजिए तो इतना करने के बाद में आप लॉग कर लीजिए और उसके बाद में आपका जो बेनिफिशियरी आईडी यदि आपको पासवर्ड रिसट करना है तो इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर और फिर जो कैप्चा वो डालना है और उतना करने के बाद में आपका पासवर्ड यहाँ पर रीसेट हो जाएगा रीसेट करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद में जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरीके से जो विंडो यहाँ पर है ये ओपन हो जाएगी जिसमें आपका कार्ड नंबर और कार्ड का टाइप क्या है यानी कि आप सर्विंग हैं या फिर आप एक रिटायर्ड पेंशनभोगी हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाम आ जाएगा कौन से वार्ड के लिए यहाँ पे एंटाइटलमेंट है वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद में जो फैमिली की डिटेल्स है वो भी यहाँ पर नीचे आपके सामने हाजिर हो जाएगी इसमें फैमिली का नाम रहेगा और आप देख सकते हैं कि उसका फोटो देख सकते हैं आप उसका कार्ड का प्रिंट भी ले सकते हैं तो जैसे ही जो कार्ड प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आप देख पा रहे हैं इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओ जाएगा और ओ जाने के बाद में ये वाली विंडो आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो जाएगी तो यहाँ पर आप जैसे ही ओ टी पी डालते हैं और फिर आप करते हैं प्रिंट सी जी एच एस कार्ड इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में आपका जो सी जी एच एस कार्ड है वो यहाँ पर पी डी एफ फाइल में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगा और आप उसका कलर्ड प्रिंट आउट भी ले सकते हैं उसका आप लेबिनेट भी उसे कर सकते हैं और आपके पास में उसे रख सकते हैं तो इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी आसानी से अपने सी जी कार्ड को घर बैठे डाउनलोड कर सकता है यानी कि जो सी जी की सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ सी जी कार्ड है उसकी सेवा का उपयोग कर सकता है तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए